महक और सीमा ने रचा है अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र। नागिन में होने वाली है जबरदस्त एंट्री। टीवी सीरियल नागिन 6 में अपकमिंग एपिसोड में एक और विलन की एंट्री हो सकती है, क्योंकि सीमा गुजराल जो एक असुर है उसने ये खुलासा कर दिया है कि वो महाशेष नागिन से अकेले नहीं लड़ सकती। महक का तो बुरा हाल है, महक एक बुजुर्ग महिला में तब्दील हो गई है। दरअसल प्रार्थना महक से वो जादुई पायल लेने में कामयाब हो गई है जिसमें ढेर सारी शक्तियां थी, और उसी वजह से महक का बुरा हाल हो गया है। और अगर महक पायल वापस ना पा सकी तो एक बार फिर वो मौत के मुंह में चली जाएगी। दरअसल महक पहले से ही मरी हुई है, वो पायल के बल पर अब तक जिंदा थी और प्रार्थना के नाक में दम कर रही थी, लेकिन अब उसका खुद का जीना मुहाल हो गया है। यानी कहीं ना कहीं नागिन में प्रार्थना के सामने सिर्फ एक ही विलन बचा हुआ है और वो है सीमा, और उसका भी जल्द ही अंत होने वाला है, क्योंकि नागिन सीरियल अब अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही ये सीरियल ऑफ एयर भी होने वाला है। और कहानी में इसीलिए जबरदस्त ट्विस्ट डालने के लिए कुछ पुराने नागिन और कुछ पुराने किरदार वापस देखने को मिल सकते हैं। अपकमिंग एपिसोड में एक और विलन की एंट्री होने वाली है, जिस बात का इशारा साफ तौर पर अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रार्थना के सामने सीमा गुजराल और किसी विलन के साथ क्या बड़ी मुश्किल लेकर आती है। टीवी और नागिन से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।